नमस्कार, गुड मॉर्निंग दगड़ो, क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल पौड़ी में ही है और भाई काम तो लगभग लगभग निपट चुके हैं, लेकिन एक प्रकार की यहाँ पे थेरेपी करवा रहे हैं और लगभग एक दो दिन से। तो फ़िलहाल तो रिज़ल्ट काफ़ी पॉजिटिव है, बट दोस्तों इस ब्लॉक में विशेषकर इसी थेरेपी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा, ठीक है। एक्चुअली में थेरेपी ये इस प्रकार की है कि जैसे कि कमर दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, खांसी, जुखाम इस प्रकार, या पेट में कुछ भी नसों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उनको इस थेरेपी के माध्यम से यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। रिज़ल्ट हम भी करा रहे हैं और ये पीछे से आ रहे हैं, इनका काफ़ी फ़र्क है। लगभग जो प्रॉब्लम थी इनको उसका इनको 50-60% फ़ायदा हो गया है। ये थेरेपी ऐसा है कि ये धीरे धीरे किसी भी रोग को काटता है, एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। और लगभग लोग एक दो दिन में एक बार इस थेरेपी को कराते हैं, क्योंकि इस थेरेपी के दौरान काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और एक तरह से हर किसी के लिए वो दर्द सहना आसान नहीं होता है। बट इतना है कि मतलब अनुभवी आदमी है वो जो करता है, और उसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे प्रॉफिट भी हुआ है, और साथ में आप पौड़ी का नज़ारा भी देख सकते हो भाई, ठीक है। पौड़ी का नज़ारा इस समय सुबह के 9 बजे है, काफ़ी हलचल है पौड़ी में आजकल, काफ़ी क्रश है, होटल्स लॉज सारे बुक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्लस टूरिस्ट लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ठंडा एरिया इलाका है। तो यही है इस थेरेपी के बारे में, आपको भी अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कमान सिंह जी द्वारा ये थेरेपी की जाती है, हम उनका नंबर एड्रेस आपको मेंशन कर देंगे, देख के संपर्क कर सकते हो। और भाई अगर आपको भी इसका फ़ायदा मिलता है तो हमको काफ़ी अच्छी खुशी होगी। होता है दोस्तों, मानने मानने वाली बात होती है। नेपाल के ये भाई हैं और हमको प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं, हमको कोई इससे एक तरह से प्रमोशन वमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे आदमी हैं और अनुभवी आदमी हैं, इनका ख़ानदानी ये है इनके पास, तो अच्छी बात है अगर आपको भी इसका फ़ायदा मिलता है तो। मैंने जैसे कि बता ही दिया है, काफ़ी हैबी रोगी इन्होंने ठीक किए हैं, जैसे कि जो अच्छे से चल नहीं पाते थे, अच्छे से बैठ नहीं पाते थे, वो अब अच्छे से चलते हैं, अच्छे से बैठते हैं। एक तरह से नसों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आपके शरीर में है, नसों से संबंधित ज़्यादातर, उनका 100% इलाज इनके पास है। टाइम लगता है, एक दो दिन से नहीं होता है, काफ़ी बार ये थेरेपी करानी पड़ती है और जितना आप सह सकते हो उस हिसाब से करवानी पड़ती है। तो थोड़ा बहुत अब मेरा भी थोड़ा पेट में प्रॉब्लम रहता था, तो मैंने सोचा जब आए हैं यहाँ तो हम भी करा देते हैं। फ़िलहाल मैं 3 बार करा चुका हूँ और चौथी बार आज सुबह जा रहे हैं, आज शाम को भी जाएंगे, हम दिन में 2-2 बार जा रहे हैं। दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, बट क्या करें, अब बीमारी है तो उसके लिए तो अगर उसको जड़ से काटना है तो सहना ही पड़ेगा। बाकी दिखाता हूँ मैं आपको पौड़ी के आसपास के नज़ारे। ये है भाई अपना पौड़ी, और आज धुंध छाई हुई है, धूप नहीं है, आज बादल छाए हैं, थोड़ा उमस तो है दिन में, बट शाम के टाइम और रात के टाइम तो भाई यहाँ ठंड लग रही है, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हो फ़ैन एसी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है। आसपास के अगर गांव की बात की जाए तो नाम तो हमें पता नहीं है,
बट काफ़ी ज़्यादा गांव है पौड़ी के आसपास और काफ़ी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा ये सुंदर सा पौड़ी का बाज़ार। ज़्यादातर अगर यहाँ का जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है उसकी बात करें तो ज़्यादातर यहाँ कर्मचारी लोग बसते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब पे हैं, क्योंकि हर प्रकार के हेड ऑफिस आपको ज़िले के यहाँ मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है प्रशासनिक ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनके कारण कि यहाँ की होटल लॉज और दुकानदारों की आमदनी होती है। तो यही कुछ है यहाँ, ज़्यादा कुछ इसमें विशेष रूप से है नहीं। कुछ मंदिर भी पौड़ी में है, जैसे कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी मंदिर है, पार्क है और थोड़ा फॉरेस्ट इलाका है, और वहीं वन विभाग भी है अपना पौड़ी ज़िले का मेन। अगर जानवरों की बात की जाए तो कुत्ते, बंदर और बाघ यहाँ काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसा कि सुनने में आता है। कुत्ते और बंदर तो आमूमन बाज़ार में भी दिख जाएंगे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। कुत्ते हर जगह होते हैं लेकिन यहाँ स्टिक डॉग बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो कि आपको कहीं पे भी दिख जाएंगे, हालांकि काटते नहीं हो। फल फ्रूट के पेड़ों की अगर बात की जाए तो आप समझ सकते हो, नींबू, कागजी, माल्टा, संतरे, खुमानी, पूनम, इस प्रकार के पेड़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। रास्ते बिल्कुल कंजस्टेड है, ये देख सकते हो इधर भी, और जगह भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है यहाँ। शायद एक ज़िले के लिए जो जगह पर्याप्त होनी चाहिए वो यहाँ नहीं है, बट अब ज़िला तो है तो एडजस्ट किया है हर जगह, ठीक है। बाकी साफ सफाई तो ऑब्वियसली ठीक ठाक ही है यहाँ। तो यही थोड़ा बहुत जानकारी जो हमको मिली पौड़ी में आके आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो और थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल गई हो। अगर थोड़ा बहुत भी आपको वीडियो अच्छा लगता है और देखना पसंद है तो कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इस समय हमें यहाँ पे पुलिस लाइन की बिल्डिंगें बनी हुई है, यहीं से रास्ता जा रहा है कंडोलिया के लिए, जहाँ के हमको थेरेपी के लिए जाना होता है, और यहीं से फॉरेस्ट वाला इलाका भी शुरू हो जाता है। तो लगड़ो और भी कुछ जानकारी अगर हमको मिलेंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, तो बने रहिए। और इतना वीडियो देख लिया होगा तो लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। चैनल पे नए आते हो तो यार सब्सक्राइब कर लिया करो, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही बंद हो गया है एक तरह से, तो थोड़ा सपोर्ट किया करो भाई। इतनी मेहनत से आप लोगों तक नई नई जानकारियाँ अपने ब्लॉग के माध्यम से देते ही रहते हैं हम, तो वी सपोर्टिव। दोस्तों आ गए हैं थेरेपी करा के और भाई पौड़ी पार्क के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं, देखते हैं। एक बार पहले भी आए थे हम सर, और ये है भाई पौड़ी का बिल्कुल टॉप ऑफ द प्लेस, काफ़ी अच्छा एरिया है ये, यहाँ सुंदर सा पार्क है जिसको देखने के लिए आ रखे हैं। काफ़ी अच्छी जगह है भाई, और पौड़ी ज़िले का वन विभाग पूरा इधर ही है भाई। चलो आपके भी दर्शन कराते हैं। से शुरू हो जाता है पौड़ी के छोटे से मिनी पार्क का एरिया, काफ़ी लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं भाई, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। हम एक बार पहले भी आए थे, एक सुंदर सा रेस्टोरेंट बना है यहाँ पे, हालांकि खाना उधर बहुत महंगा मिलता है, ये वाला रेस्टोरेंट है भाई, इधर बहुत महंगा खाना मिलता है भाई। और इधर से शायद इसका टिकट भी है कुछ 5-10 रुपये जो भी होगा, यहाँ से एंट्री है, ये पार्किंग जोन है, पूरा फॉरेस्ट का इलाका है भाई। और जो पौड़ी का मुख्य वन अधिकारी है वो यहीं बैठते हैं, ठीक है, इधर ही उनका ऑफिस है। और ये हम पार्क के साइड साइड से चल रहे हैं,
क्योंकि भाई पार्क के अंदर जाने के लिए पैसे लगते हैं और वही पैसे बचाने के चक्कर में हम, क्योंकि इस समय कुछ है नहीं पार्क में ज़्यादातर, हमने पहले देख चुके हैं तो बाहर से आप दर्शन करवा देते हैं। और यहाँ पे है कंडोलिया माँ कंडोलिया ठाकुर मंदिर, अंदर है काफ़ी, यहाँ से है भाई माँ कंडोलिया का मंदिर, रास्ता ये बना है ऊपर की तरफ। तो इधर है भाई पूरा ये पार्क का इलाका है, पूरा ये गेट है जहाँ से वीडियो बन रही है। काफ़ी टूरिस्ट लोग भी यहाँ आते हैं देखने के लिए, हालांकि छोटा सा पार्क है बट काफ़ी सुंदर है। तो यही है थोड़ा बहुत पौड़ी का इलाका, ज़्यादा बड़ा तो पौड़ी है नहीं, मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया था और इस बार तो लगभग पूरा ही दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो और मन करे पौड़ी आने का तो ज़रूर आइए, और इन वादियों की खुशनुमा मौसम का मज़ा उठाए, ठीक है। तो चलो दगड़ियों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, बाय बाय दगड़ियों।